हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। केंद्र में मोदी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के बाद विपक्ष खासतौर से कांग्रेस बीजेपी को जमकर कोस रही है। इस कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार के कार्यकाल पर सवाल खड़े किए। सुरजेवाला के आरोपों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ने सुरजेवाला को जमकर आड़े हाथों लेते हुए सुरजेवाला को चला हुआ कारतूस करार दिया। विज ने कहा कि सुरजेवाला पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, इसका नतीजा इन्हें चुनावों में 3 बार हार से देखा जा सकता है। आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है। कोरोना एक मानव जाति के ऊपर आक्रमण है, एक सूक्ष्म दुश्मन का, इसको सबको मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे लोग, इस दौरान में भी कोरोना के ऊपर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहे। जनता सब जानती है और जनता ने इनको इसीलिए 3 चुनाव लगातार हराए हैं। ये चला हुआ कारतूस है, रोज ये बंदूक में भरता है, रोज चलाता और रोज ठूस हो जाता है। चरणबद्ध तरीके से ढील की बात की जा रही है, कैसे टैकल करेंगे इसको? नहीं, इसके लिए उसमें जो MHA की गाइडलाइन आई